आठ अंगों वाले दुनिया के सबसे अच्छे मार्ग जो आपको सुख और शांति देता है जीते जी, यानी कि आप अपने ही जीवन में सुख और शांति या मोक्ष या जिसको बोलते हैं मोक्ष या जिसको साल्वेशन बोलते हैं या निब्बान बोलते हैं या जिसको अमृत बोलते हैं या अमृत पद बोलते हैं या असीम सुख या अपार सुख बोलते हैं वो प्राप्त कर सकता है, उसका ये सातवां अंग है। दरअसल आठ के आठ काम आपको करने पड़ेंगे तब आपको ये सुख प्राप्त होगा, इसलिए इसको आठ अंगों वाला मार्ग बोलते हैं। अठमी बोलते हैं, आष्टांगिक मार्ग बोलते हैं, एट फोर्ड पाथ बोलते हैं, या अठ कथा, आठ की कथा जो घर घर में हुआ करती थी लगातार आठ दिन, यानी जिसको अष्टमी की कथा बोलते थे। ये साल में दो बार, एक सर्दियों में और एक गर्मियों में दो बार लगातार होती है, जिसको अठमी या अष्टमी बोलते हैं, और जिसमें बाद में इस पूरी कथा को सुनने के बाद, कथा को मानने के बाद लोग घर में बुला के बच्चों को खाना भी खिलाते थे, ये पुरानी परंपरा रही है। उसका जो सातवां हिस्सा है वो पहिया का हिस्सा है। दरअसल सील, समाधि, पहिया, इन आठ अंगों को तीन भागों में तोड़ा गया है और लास्ट में जो आता है वो पहिया आता है। पहिया के दो भाग हैं, पहिया माने प्रज्ञा, प्रज्ञा माने समझदारी, समझदारी का मतलब है विजडम, यानी जो आपको जानकारी देती है सही काम करने की, उसको पहिया बोलते हैं। दरअसल पहिया जो शब्द है ये पाली का शब्द है और इसका कहीं कोई तोड़ नहीं है। बाद में इसको संस्कृत भाषा में प्रज्ञा कहने की कोशिश की गई मगर वहां लोग इसको समझ नहीं पाए कि ये प्रज्ञा है क्या। दरअसल पहिया में और प्रज्ञा में और बाकी समझदारी में जमीन आसमान का अंतर है। तो यहां जो सातवां हिस्सा है वो है सम्मा संकप्पो, सम्मा संकप्पो, यानी संकप्पो क्या है। कप जो शब्द है के आधा पे और पूरा पे, कप जो शब्द है इसके लगभग तीन मीनिंग है, तीन अर्थ हैं। इस शब्द के तीन बातें बताई जाती हैं। एक तो है इसका मतलब है अनुरूप या अनुसार या योग्य, यानी कि कप अगर कहीं आता है तो अनुरूप, अनुसार या योग्य के लिए इस्तेमाल होता है। एक कप होता है, एक दिन को कप बोलते हैं, वन डे को कप बोलते हैं। और जो यहां इस्तेमाल हो रहा है कप, उसका मतलब है सोचना। और जो सम लगा हुआ है, यानी कि किसी भी शब्द में पुराने समय में अगर से पहले लग जाता है तो से का मतलब होता माई सेल्फ, निज, यानी मैं। जैसे से सार, यानी से सार का मतलब है संसार, संसार का मतलब है मेरा सार, यानी निज का सार। बाद में इसको खराब करके संसार का मतलब वर्ड बता दिया गया, जबकि वर्ड को पर लोग बोलते हैं, लोग को सरसरी बोलते हैं। तो ये ध्यान देने से संपूर्ण है, पूर्ण का हो गया, पूर्ण माने तो कंप्लीट होता है, और संपूर्ण का मतलब होता है निज का संपूर्ण, यानी निज का पूर्ण होना, खुद का पूरा होना, खुद का कंप्लीट होना, इसको संपूर्ण बोलते हैं। ऐसे ये समकप है, यानी ये सोचना है, और से लगा दिया तो निज का सोचना, यानी माई सेल्फ, मैं सोचूंगा, अपने अंदर सोचूंगा, मैं समाधि में बैठा हुआ हूं। सील हो गया, समाधि हो गया, प्रज्ञा चलने वाली है, तो प्रज्ञा में मैं सोचने का काम करूंगा। कैसा? सम्मा, सम्मा माने राइट, सम्यक, सही, बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक सोचना है, ठीक संकल्प लेना है, यानी कि संकल्प जो लेना है इसको संकल्प बोलते हैं। आज के समय तो संकल्प का मतलब कहते हैं कि कोई रिजोल्यूशन करना है, कोई ऐसा निर्णय करना है कि बस ये ठीक है, मगर यहां संकल्प का मतलब है कि आपने बिल्कुल राइट विचार करना है, सही विचार करना है। कैसे करना है? ये समाधि में बैठा हुआ आदमी सही विचार कैसे करता है? जब आप कहीं विपस्ना में जाएंगे, साधना में जाएंगे, तब आपको एहसास होगा, क्योंकि इसके अनुभव से पता चलता है कि हम कैसे, किस प्रकार से सही सोचना जानते हैं या सीखते हैं या इसको समझते हैं। दरअसल तीन चीजें वहां आपको सोचते समय नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? पहले तो आपने छह की छह जो इंद्रियां हैं हमारी, जो सेंसेस हैं, इंद्रिया सेंसेस, यानी कि आंख से जो हम देखते हैं, जो हम मुंह से, जो हम कान से सुनते हैं, जो हम स्किन से टच करते हैं, जो हम नाक से ग्रहण करते हैं, जो हम जीभ से ग्रहण करते हैं, ये पांचों सेंस हैं। और इसके अलावा जो हमारा मन है, इन पांचों से बन के बनता है, तो छह हमारे सेंसेस हैं। इन छह के छह सेंसेस में निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, राग नहीं आना चाहिए, द्वेष नहीं आना चाहिए। ये आपने विचार करना है, आज के समय कहें तो संकल्प करना है कि ये नहीं आएंगे, ये बिल्कुल निर्णय करना है, इसके अनुरूप काम करना है, इसके योग्य काम करना है कि ये किसी भी हालत में राग द्वेष में लिप्त ना हो। अब ये राग द्वेष से बिल्कुल अलग रहें, निर्लिप्त रहें, उसमें इन्वॉल्व ना हो,
अब ये वहां से पूरी तरह से हट जाएं। तो पहला जो आपने सोच विचार करना है यानी कप करना है, जिसको समकप बोलता है, यानी निज जो सोचना है वो इस बात को सोचना है कि अब जीवन में राग द्वेष नहीं शरीर में प्रवेश होने चाहिए। पहला तो ये है। दूसरा आपने क्या करना है, क्या विचार करना है? दूसरा विचार आपने करना है कि किसी भी हालत में आपने क्रोध नहीं करना है, क्योंकि जब आप वहां समाधि में बैठे हैं तो क्रोध कैसे करेंगे? जब आप वहां समाधि में बैठे हुए हैं और आपकी आंखें बंद हैं और शरीर पूरा शांत है तो शरीर में विचार आते हैं। विचार आने से पुरानी पुरानी जो फाइलें हैं, पुराना पुराना जो यादें दबी हुई हैं, जो फोल्डर बने पड़े हैं मोटे मोटे, वो सारे ओपन होते हैं, खुलते हैं। खाली बैठे ना आप तो विचार चल रहा है, तो विचारों में वो फाइलें खुलती हैं। जब वो खुलती हैं तो किसी ने आपका पैसा मार लिया, किसी ने आपकी जमीन मार ली, किसी ने आपको अपशब्द कहे, किसी ने आपको छोटा कहा, किसी ने आपको बड़ा कहा, ये जितनी भी चीजें हैं, तो उसमें क्रोध आपने भरा हुआ है, क्योंकि उस समय आपको क्रोध आया है तो फाइल में क्रोध दर्ज है, आपको गुस्सा आने वाला है, तो शरीर में गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा तो आपका शरीर वोलेटाइल हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा। तो अगर उबलेगा शरीर या शरीर में क्रोध आएगा तो आप साधना में सही तरह से काम नहीं कर पाएंगे और कोई भी जो आपकी विपसना साधना है वो एक्टिवेट नहीं होगी, काम नहीं करेगी। तो आपने वहां क्रोध रहित रहना है, जानते रहना है कि हाँ ये चीज ऐसे हुई, ये चीज ऐसे हुई, ये चीज ऐसे हुई, ये चीज ऐसे हुई, मगर क्रोध को शरीर पर नहीं आना है। क्योंकि आप अगर बैठे हुए हैं और क्रोध आ रहा है तो बैठे बैठे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, चेहरे पे खून आ जाएगा, आंखों में लाली आ जाएगी, आंख जो कान है आपके गर्म होने शुरू हो जाएंगे, हाथ पर आपके कंपन करने शुरू कर देंगे अगर आपने वो फाइल को अनुभव करना शुरू किया। इसलिए आपने क्रोध रहित रहना है। और तीसरा आपने जो विचार करना है वो करना है, आपने किसी भी हालत में हिंसा मन में नहीं लेके आनी है। यानी क्रोध आएगा तो फिर आपको हिंसा आएगी कि मैं इसका ऐसा कर दूंगा, मैं उसका वैसा कर दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी तो साधना में समाधि में बैठे हुए, कर तो कुछ नहीं सकते, मगर मन काम करेगा। मन काम करेगा तो शरीर पे प्रतिक्रिया वैसी ही आएगी जैसे कि जिस समय हिंसा करते समय आती है, वैसी ही आएगी। तो साधना में मन नहीं लगेगा, तो साधना नहीं होगी तो प्रज्ञा और पहिया भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो आपने हिंसा नहीं करनी है, आपने क्रोध नहीं करना है, और आपने छह के छह जो आपकी इंद्रियां हैं उनमें राग और द्वेष को समाप्त करना है। ये संकल्प आपने करना है, ये सोचना है, ये विचारना है, और इसी पे आधारित रहना है, मन को इसी पे लेके आना है कि जब क्रोध करे तो बार बार कहना नहीं, क्रोध नहीं करना है, तो क्रोध शांत हो जाएगा। जब हिंसा का आएगा तो कहीं हिंसा नहीं करनी है, तो हिंसा शांत हो जाएगी। राग बहुत ज्यादा आएगा, द्वेष बहुत ज्यादा आएगा, कोई आपकी स्किन का टच है तो स्किन के टच का फाइल खुलेगी तो बड़ा अच्छा लगेगा, खराब लग सकता है। किसी ने आपका हाथ पैर तोड़ा है तो खराब लगेगा, किसी ने आपका हाथ पैर दबाया है, सहलाया है तो अच्छा लगेगा। तो शरीर पे जो इफेक्ट आएंगे वो खराब के और अच्छे के दोनों आएंगे, दोनों ही आपने नकारने हैं। आपने कोई खाना खाया, कड़वा खाया या मीठा खाया, उसके दोनों के स्वाद आएंगे बैठे बैठे समाधि में। आपने कहीं कोई किसी हालत में कोई म्यूजिक अच्छा सुना, कोई बात अच्छी सुनी या खराब सुनी, तो उसके दोनों के ही असर आएंगे शरीर के अंदर। कहीं आपने कोई बदबू सूंघी है या कहीं कोई खुशबू सूंघी है तो दोनों के ही असर आएंगे उसके शरीर के अंदर आएंगे। इसी प्रकार में जो आपने आपका जो मन है, मन जहां आपका खराब रहा है, जहां मन आपका अच्छा रहा है, उसी के हिसाब से आएंगे। और उसी के हिसाब से जो आपने वीडियो या दृश्य या पिक्चर या जीवन में जितनी चीजें देखी हैं उनमें जो खराब दृश्य हैं, उनमें जो अच्छे दृश्य हैं, वो सारे के सारे आएंगे। तो उन खराब से और उन अच्छी सारी चीजों से आपको परे रहना है, बिल्कुल उसमें निर्लिप्त नहीं होना है, अनटच्ड रहना है, टच्ड नहीं रहना है। वो चल रही है, फिल्म चल रही है, मगर आपने अपने मन में कोई प्रभाव लेके नहीं आना है। तो ये वहां पे आपने इस तरह से सोचना है, इस तरह से संकल्प करना है, इस तरह से कप करना है। संकल्प अगर आप उसमें आ जाएंगे तो नेक्स्ट जो आता है फील्ड, वो आता है पहिया का, प्रज्ञा का, जो राइट विजडम होती है उसका, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं सम्मा दिट्ठी, यानी कि सम्यक दृष्टि, यानी कि राइट व्यू या राइट साइट, अच्छी तरह से देखना, वो भी आंख बंद करके। ये अगले एपिसोड का लास्ट पार्ट है जो 88 मार्क का है। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं,
उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदल कर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Sarnam Gacchami.